भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं, कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का। और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी, उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ, शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जनता को मूर्ख ना समझें, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देना बंद करें। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके पहले मंत्री सत्येंद्र जैन जब जेल गए भ्रष्टाचार में, आपने तब भी उनको बर्खास्त नहीं किया। वो कहते हैं उनकी याददाश्त चले गई। आशा करता हूं एक्साइज मंत्री एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं, कहीं उनकी भी याददाश्त ना चली जाए। पर जनता और देश जवाब चाहता है, ये शराब में ठेकों में जो भ्रष्टाचार हुआ, ये शराब के ठेकों का भ्रष्टाचार, ये जनता और देश के सामने आया है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की सच्चाई सामने आई कि कैसे घोटाले किए हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे, कभी भी राजनीति में ना आने की बात करते थे, ये राजनीति में भी आए और भ्रष्टाचार में भी संलिप्त हुए। एक नहीं कई और उदाहरण ये आम आदमी पार्टी के सामने देखने को मिलते हैं।